कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में फंसे लाखों लोगों के लिए रविवार को एक अच्छी खबर आई। भारतीय रेलवे ने 12 मई से रेल सेवा शुरू करने की प्लानिंग की है। रेलवे ने बताया है कि शुरुआत में कुछ ही मार्गों पर 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनें चलाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि रेलवे ने किन किन जगहों के लिए ये खास ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। रेलवे के मुताबिक सभी विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मंडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएगी। अगर आप भी इन ट्रेनों की सुविधा लेना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 मई यानी आज शाम 4 बजे रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेंगे, टिकट काउंटर पर नहीं। इन विशेष ट्रेनों के सभी कोच AC और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। दरअसल लॉकडाउन के कारण काफी लोग अपने गृह नगर से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ राज्य सरकारें ने भी प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का आग्रह केंद्र और रेलवे से किया था। इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने चलाई। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल के तौर पर 300 ट्रेनों के संचालन के लिए भी कोचों को अलग से आरक्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।